हेलो एंड वेलकम टू इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स, और मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। साल का सबसे बड़ा इवेंट WWE का रेसलमेनिया 7 अप्रैल को होने वाला है। चलिए जिसको लेकर के मैं आपको रूबरू करवाऊंगा, इस इवेंट में कौन से खिलाड़ी किसके विरुद्ध लड़ने वाला है। तो WWE की रेसलमेनिया 35 की बात करें तो इसमें तीन मैच ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा रोमांचक भरे होने वाले हैं। इसमें सबसे पहला मैच है ब्रॉक रेसलर वर्सेस सेथ रॉलिंस। जी हाँ, यूनिवर्सल चैंपियनशिप में ब्रॉक लेसनर और सेथ रॉलिंस एक दूसरे के खिलाफ रिंग पे भिड़ते नजर आएंगे। सेथ रॉलिंस की बात करें तो वो ब्रॉक लेसनर के खिलाफ अभी तक एक भी मुकाबला नहीं जीता है। वहीं ब्रॉक लेसनर की अगर बात की जाए तो ये ऐसे पहले रेसलर हैं जिन्होंने अंडरटेकर को स्ट्रीट फाइट्स में हराया था। मतलब कि अंडरटेकर रेसलमेनिया में आज तक एक भी फाइट नहीं हारे थे। हालांकि ब्रॉक लेसनर ने 21-1 जो उनका रिकॉर्ड था, 21 फाइट अनबीटन रहे थे अंडरटेकर, उनको हरा करके 21-1 की फ़ाइट जो पहली बार जीत हासिल करी थी रेसलमेनिया में। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी फ़ाइट की बात करें तो रेसलमेनिया में दूसरी सबसे बड़ी फ़ाइट होने वाली है ट्रिपल एच वर्सेस बटिस्टा। जी हाँ, इन दोनों के बीच नो होल्ड बैरेड फाइट खेली जानी है। मतलब कि इस फाइट में बटिस्टा ने ट्रिपल एच को चैलेंज करा है उनके कैरियर को लेकर के। वैसे अगर बटिस्टा की बात की जाए तो ये दोनों खिलाड़ी बटिस्टा और ट्रिपल एच रेसलमेनिया 21 में एक दूसरे के खिलाफ भिड़ चुके हैं, जहाँ पे बटिस्टा पहले भी ट्रिपल एच को हरा चुके हैं। हालांकि बटिस्टा काफ़ी लंबे वक्त से रिंग से बाहर चल रहे हैं, तो ऐसा माना जा रहा है फैंस जो कह रहे हैं कि इस मुकाबले में ट्रिपल एच कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा अच्छे कॉम्पिटिटर साबित होने वाले। हालांकि देखना ये होगा कि अगर ट्रिपल एच इस मुकाबले में अगर हार गए तो उन्हें अपना कैरियर यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। जो तीसरा सबसे रोमांचक मुकाबला होने वाला है वो है रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर। ड्रू मैकइंटायर की बात करें तो उन्होंने अभी लास्ट ही इवेंट हुआ था रॉ का, जिसमें उन्होंने द शील्ड के जो रोमन रेंस के साथी थे डीन एम्ब्रोस को बहुत बुरी तरह से पीटा था। और वहीं रोमन रेंस की बात करें तो कैंसर के बाद ये वापसी कर रहे हैं WWE में, और ये इनका सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है। वहीं अन्य मुकाबलों की बात करें तो अन्य मुकाबले में रॉ वुमेन चैंपियनशिप में रोंडा राउजी, बैकी लिंच और चार्लेट फ्लेयर एक दूसरे के खिलाफ भिड़ते नजर आएंगी। इसके अलावा WWE चैंपियनशिप बेल्ट के लिए डैनियल ब्रायन वर्सेस कोफी किंगस्टन एक दूसरे से भिड़ते नजर आएंगे। वहीं स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स एजे स्टाइल वर्सेस रेंडी ओटन एक दूसरे के खिलाफ रिंग पे भिड़ते नजर आएंगे। वहीं इनके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइट होने वाली है वो है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में, जिसमें बॉबी लैशली और फिन बैलर, ये फ़ाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर स्मैकडाउन के नज़रिए से देखें तो, क्योंकि फिन बैलर जो हैं वो काफ़ी टाइम से बॉबी लैशली से फ़ाइट कर रहे हैं और अच्छा इंप्रेशन नहीं जमा पा रहे हैं। लेकिन फैंस का मानना है कि इस बारी रेसलमेनिया में फिन बैलर डेमोन के रूप में एक बारी फिर से रिंग में उतर सकते हैं। वहीं इसके अलावा अन्य फ़ाइट की बात करी जाए तो यूनाइटेड स्टेट चैम्पियनशिप में समुआ जो का मुकाबला रे मिस्टीरियो से होने वाला है। समुआ जो की बात करें तो वो इससे पहले TNA में फ़ाइट लड़ते थे और उन्होंने हाल ही में अभी रेसलमेनिया में WWE में एंट्री करी है। वहीं रे मिस्टीरियो की बात करें तो वो 619 उनका जो सबसे चाहता मूव है और फैंस चाहेंगे कि इन दोनों के बीच अच्छा मुकाबला देखने को मिले। वहीं इसके अलावा वुमेंस टैग टीम चैम्पियनशिप में चार टैग टीम वुमेंस प्लेयर्स के बीच फाइट होने वाली हैं, जिसमें पहली टीम होगी शाशा बैंक वर्सेस एंड बैली, इसके बाद दूसरी टीम है बेथ फेनिक्स वर्सेस नतालिया, तीसरी टीम है नाया जैक्स एंड तमीना और चौथी टीम है द इकोनिक्स। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बारी का रेसलमेनिया 35 काफ़ी रोमांचक भरा होने वाला है। अब देखना ये होगा कि ट्रिपल एच अपने कॉम्पिटिटर बटिस्टा को इस बारी रिंग पे कैसे चित देते हैं, क्या सेथ रॉलिंस ब्रॉक लेसनर को मात दे करके खिताबी जीत हासिल करेंगे। चलिए, रेसलमेनिया से जुड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और इंडियन न्यूज़ स्पोर्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।